हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आईपीएल के आखिरी कुछ दिनों से लेकर अब तक टीम इंडिया के जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हिटमैन रोहित शर्मा। जी हां, हिटमैन रोहित शर्मा के लिए उनकी हैमस्ट्रिंग चोट को लेकर हुआ हो हल्ला भटकाने के साथ साथ दिलचस्प भी था, क्योंकि वो हमेशा से जानते थे कि ये चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए खेलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अब लगता है कि रोहित शर्मा फिट हो चुके हैं, जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलते हुए भी नजर आएंगे। आज रोहित शर्मा की चोट और उनकी फिटनेस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो हम शुरू करें, आप अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहित शर्मा को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें एक महीने के शुरू में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया और कुछ ही दिन में वे क्रिकेट खेलने के लिए लौट गए, जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया। इसके बाद उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया। इस बीच हिटमैन रोहित शर्मा ने कहा कि ईमानदारी से कहूं, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा था और लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस के साथ लगातार संपर्क में था। उन्होंने दर्द के बावजूद खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल फाइनल में 50 गेंद में 68 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले रोहित शर्मा इस वक्त बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो वनडे और टी20 टीम में तो नहीं है और टेस्ट टीम के लिए उनका सिलेक्शन बाद में किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने अपनी चोट के बारे में क्या कुछ कहा। रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को बता दिया था कि मैं मैदान पर उतर सकता हूं, क्योंकि ये एक छोटा फॉर्मेट है और मैं परिस्थितियों से अच्छी तरह से निपट लूंगा। एक बार मैंने निश्चित कर लिया तो बस उस चीज पर ध्यान लगाने की जरूरत थी जो मैं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि हैमस्ट्रिंग अब बिल्कुल ठीक लग रही है, इसे मजबूत करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। लंबे फॉर्मेट में खेलने से पहले मुझे ये पूरी तरह से निश्चित करने की जरूरत है कि कोई भी प्रयास छूट नहीं गया। शायद यही कारण है कि मैं एनसीए में हूँ। आईपीएल में प्लेऑफ में चोट के बावजूद खेलने को लेकर बातें शुरू तो हो गईं, लेकिन यहां तक कि कई दिग्गजों ने तो सेलेक्टर्स पर ही सवाल उठा दिए थे। हालांकि बाद में सेलेक्टर्स ने टीम में कुछ बदलाव जरूर किए और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई। रोहित ने चोट के बाद न सिर्फ अपनी टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेला बल्कि टीम को 5वीं बार आईपीएल के लिए ट्रॉफी भी दिलाई। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे लिए चिंता की बात नहीं थी कि कोई भी क्या बात कर रहा है, कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जा पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि एक बार चोट लगी तो अगले 2 दिन मैंने सिर्फ यही देखने का प्रयास किया कि अगले 10 दिन में मैं क्या कर सकता था, क्या मैं खेल पाऊंगा या नहीं। 5 बार के आईपीएल चैंपियन कप्तान ने कहा कि जब तक मैदान पर नहीं पहुंचते तब तक पता नहीं चलता कि शरीर कैसे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन हर दिन हैमस्ट्रिंग चोट की स्थिति बदल रही थी, ये जिस तरह से ठीक हो रही थी तो मैं आश्वस्त हो गया था कि मैं खेल सकता हूं और मैंने उस समय मुंबई इंडियंस को इसके बारे में बता दिया था। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए मैदान में वापसी करेंगे। रोहित शर्मा और भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।